तो ये चीज तो पूरे फ्री फायर प्लेयर को पता ही है कि अगर आपको गेम में अच्छा खेलना है, चाहे वो कस्टम हो या फिर रैंक गेम, तो आपको हेडशॉट मारना आना चाहिए, वरना एनिमी आपको मार देगा। और मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग इससे पहले काफी सारे वीडियोस हेडशॉट टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस देखे होंगे, लेकिन फिर भी उनके गेम में कुछ खास फर्क देखने को नहीं मिला होगा। लेकिन आज मैं आप सभी के सामने कुछ ऐसे सीक्रेट रिवील करने वाला हूं जिसे राइज स्टार और वाइट ट्रिपल फोर जैसे प्लेयर यूज करके हेडशॉट मारते हैं। मतलब कि जब आप गेम में वन टैप मारने की कोशिश करते हो तो बहुत ही मुश्किल से आपसे एक या दो ही वन टैप लग पाता है। लेकिन आखिर ऐसा क्या ये लोग करते हैं जिससे इनका जो ज्यादातर गोली है वो वन टैप ही लगता है? तो यही सब सीक्रेट चीजें हेडशॉट के बारे में आज मैं आप सभी के सामने रिवील करने वाला हूं। और इसमें एक सीक्रेट कैरेक्टर भी है जिसको अगर आप यूज करते हो तो आपके लिए हेडशॉट मारना और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना, हमारे गेम में एक ऐसा कैरेक्टर भी है जिसको अगर आप यूज करते हो तो आपके लिए हेडशॉट या फिर वन टैप मारना और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। तो सब कुछ आज के इस वीडियो में आप सभी को फुल डिटेल के साथ में बताने वाला हूँ कि वो कौन सा सीक्रेट कैरेक्टर है और किस तरीके से आप भी ज्यादातर वन टैप मार सकते हो। तो चलिए पैराडाइज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैं आप सभी को उस सीक्रेट कैरेक्टर के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद मैं आप सभी को बताऊंगा किस तरीके से आपको गेम में वन टैप मारना है। तो उस सीक्रेट कैरेक्टर का नाम है DB कैरेक्टर। जी हाँ, यही है वो सीक्रेट कैरेक्टर। और अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इस कैरेक्टर से हमारा वन टैप का क्या लेना देना है। तो अब मैं आप सभी को बता दूं कि इस कैरेक्टर के पास कुछ ऐसी एबिलिटी है जिससे हमारा वन टैप मारना इजी हो जाता है। मतलब कि इस कैरेक्टर के पास दो एबिलिटी है, और इसकी सबसे पहली एबिलिटी ये है कि ये आपका फायरिंग करते के टाइम में जो मूवमेंट स्पीड होता है उसको बढ़ा देता है। और मूवमेंट स्पीड सुनते ही आप सभी के दिमाग में एक ही कैरेक्टर आता होगा, DG आलोक। और जो DG आलोक है वो आपका सिर्फ 15% ही मूवमेंट स्पीड बढ़ाता है, लेकिन ये आपका जो 20% मूवमेंट स्पीड बढ़ा देगा। लेकिन ये सिर्फ फायरिंग करने का टाइम ही आपका जो मूवमेंट स्पीड है वो उसको 20% बढ़ाएगा। और इसकी जो दूसरी एबिलिटी है वही इसकी मेन एबिलिटी है। मतलब कि आप जब भी गेम में वन टैप मारने की कोशिश करते हो तो या तो आपका जो गोली है वो एनिमी के बॉडी पर ही चिपक कर रह जाता है, हेड तक पहुंचता ही नहीं है, या तो आपका जो गोली है वो पूरा रिकॉइल खा जाता है, मतलब कि एनिमी को कोई डैमेज ही नहीं आता है। लेकिन यहीं पर जब आप इस DB कैरेक्टर को यूज करोगे तो ये आपके 45% एक्यूरेसी को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से आपका जो गोली रिकॉइल खाता है हेडशॉट मारने के टाइम में वो नहीं खाएगा। और दूसरा, आपके फायर करने से पहले आपका जो एम है ये एनिमी के बॉडी पर चिपका देगा, और उसके बाद जैसे ही आप हल्का सा ड्रैग करोगे सीधा गोली जो है वो एनिमी को जाकर हेड पर लगेगा। तो यही है वो सीक्रेट कैरेक्टर जिसको बड़े बड़े प्लेयर वन टैप मारने के लिए यूज करते हैं। और अब मैं आप सभी को बताता हूं कि कैसे आप राइज स्टार और वाइट ट्रिपल फोर के जैसे गेम में आप भी ज्यादातर वन टैप मार सकते हो। तो गेम में बहुत सारे अलग अलग सिचुएशन है, और इसीलिए आपको हर अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से हर अलग अलग टेक्निक यूज करना पड़ेगा वन टैप मारने के लिए। और यही वजह है कि कुछ लोगों से बहुत ही मुश्किल से एक या दो ही वन टैप लग पाता है, क्योंकि वो हर अलग अलग सिचुएशन में भी एक ही टेक्निक को यूज करते हैं वन टैप मारने के लिए। मतलब कि हमारे गेम में तीन अलग अलग सिचुएशन होते हैं, और इन तीन अलग अलग सिचुएशन के लिए आपको तीन अलग अलग टेक्निक यूज करना पड़ेगा वन टैप मारने के लिए, तभी आपका वन टैप लगेगा। तो इस तीन सिचुएशन में से सबसे पहले जो सिचुएशन है वो है क्लोज रेंज, मतलब कि जब एनिमी आपके बिल्कुल ही करीब में रहे। उसके बाद दूसरा सिचुएशन है वो है मिड रेंज, मतलब कि जो एनिमी आपसे थोड़ा सा दूर पर जब रहता है। और लास्ट जो तीसरा सिचुएशन है वो है हमारा लॉन्ग रेंज, जब एनिमी आपसे काफी ज्यादा दूर रहता है। तो जब भी आप वन टैप मारने जाओगे ये तीन सिचुएशन आप सभी को देखने को मिलेगा, और इन तीन सिचुएशन के हिसाब से आपको अलग अलग टेक्निक यूज करना पड़ेगा वन टैप मारने के लिए। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताऊंगा क्लोज रेंज के बारे में, कैसे आपको जब एनिमी आपके क्लोज रेंज में रहे तो कैसे आपको वन टैप मारना है। और यही सिचुएशन में सबसे हार्ड होता है वन टैप मारना, और अगर आप इस सिचुएशन में अच्छे से वन टैप मार लेते हो तो दूसरा सिचुएशन और तीसरा सिचुएशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। तो इस सिचुएशन
रेंज में ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो जब भी एनिमी आपके क्लोज रेंज में आता है तो वो लोग ड्रैग करके एनिमी को वन टैप मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर जब आप क्लोज रेंज में एनिमी को ड्रैग करने की कोशिश करोगे तो जो क्या होता है, एम जो होता है वो एनिमी के बॉडी पर बहुत ही पावरफुली चिपक जाता है और ड्रैग करके एनिमी को वन टैप मारना नामुमकिन के बराबर हो जाता है, तो इसीलिए वन टैप नहीं लगता है। लेकिन यहाँ आपको क्या करना है कि आपको जो एनिमी का वेस्ट है उसके नीचे से ड्रैग नहीं करना है। अगर उसको नीचे से आप ड्रैग करते हैं तो वन टैप नहीं लगेगा। आपका जो एम है वो एनिमी के हेड के पास रखना है या फिर हेड के साइड में रखना है। आपको एनिमी के वेस्ट के नीचे से ड्रैग नहीं करना है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा जो एम है वो ज्यादातर या तो एनिमी के हेड के पास रह रहा है या फिर एनिमी के हेड के साइड में रह रहा है और यहीं से आपको ड्रैग करना है। और सबसे मेन चीज आपको ध्यान में रखना है, या तो एनिमी आपकी तरफ फायर कर रहा होगा या तो एनिमी का जो हेड है वो आपकी तरफ होगा, तभी आपको ड्रैग करना है। और हाँ, अगर एनिमी आप ही की तरफ हेड करके आप ही की तरफ दौड़कर आ रहा होगा तो ऐसी सिचुएशन में आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको नॉर्मली स्ट्रेट ड्रैग करना है। और ऐसी सिचुएशन में 99% चांस है कि आपका जो वन टैप लग ही जाएगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में ज्यादातर वन टैप आसानी से लगता ही लगता है। तो यही है फर्स्ट सिचुएशन कि अगर एनिमी आप ही की तरफ हेड कर आप ही की तरफ दौड़कर आ रहा तो सिंपली वहां पर आपको स्ट्रेट ड्रैग कर सकते हैं। लेकिन अगर एनिमी एक ही जगह पर खड़ा है, मतलब कि आपकी तरफ हेड कर वो दौड़कर नहीं आ रहा, तो फिर आपको अपना एम एनिमी के हेड के पास या एनिमी के हेड के साइड में ले जाना है और वहां से ड्रैग करना है, और वो भी बहुत ही तेजी से, क्योंकि क्लोज रेंज में एम जो है वो बॉडी पे बहुत ही ज्यादा चिपकता है, तो इसीलिए आपको क्लोज रेंज में बहुत ही तेजी से ड्रैग करना पड़ेगा। तो ये था फर्स्ट सिचुएशन, मतलब कि जब एनिमी आपके क्लोज रेंज में हो। और अब बात करते हैं दूसरे सिचुएशन के बारे में, मतलब कि जब एनिमी मिड रेंज में हो, तब आपको कैसे वन टैप मारना है। तो सिंपली इस सिचुएशन में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको जो अपना एम है वो एनिमी के वेस्ट पर चिपका देना है और उसके बाद सिंपली आपको स्ट्रेट ड्रैग कर देना है। लेकिन ड्रैग करते टाइम में आपको ये ध्यान देना है कि जो आपका फिंगर है वो फायर बटन के कहां पर क्लिक हो रहा, मतलब कि आपको फायर बटन के साइड से या इधर उधर से ड्रैग नहीं करना है। आपका जो फायर बटन है उसके बिल्कुल ही बीचों बीच से थोड़ा सा नीचे से आपको वहां से फिंगर से क्लिक करके आपको स्ट्रेट ड्रैग करना है। अगर आप साइड से फायर बटन के या फिर ऊपर नीचे से ड्रैग करते हैं तो आपका जो वन टैप नहीं लगेगा। और अगर बात करें कि हमारा जो फायर बटन का साइज है वो कितना रहेगा, तो आपका जो फायर बटन का साइज रहेगा वो 70 से 75 के आसपास में रहना चाहिए, तभी आपका जो अच्छा वन टैप लगेगा। तो ये था सेकंड सिचुएशन, मतलब कि मिड रेंज में आपको सिंपली जो अपना एम है वो एनिमी के वेस्ट पर चिपका देना है और उसके बाद सिंपली ड्रैग करना है। लेकिन ड्रैग करते टाइम में आपको ध्यान देना है कि फायर बटन के बिल्कुल ही बीचों बीच से थोड़ा सा नीचे आपका जो फिंगर है वहां से टच होकर सीधा स्ट्रेट ड्रैग हो, तभी वन टैप लगेगा। और अब बात करते हैं अपने लास्ट सिचुएशन में, मतलब के लॉन्ग रेंज में आपको कैसे वन टैप मारना है। तो सिंपली यहां पर भी आपको कुछ ऐसा ही करना है, मतलब कि आपका जो एम है वो एनिमी के वेस्ट पर एकदम आराम से चिपका देना और उसके बाद यहां पर आपको बहुत ही हल्का सा ड्रैग करना है, क्योंकि यहां पर अगर आप तेजी से ड्रैग करते हैं तो आपका वन टैप नहीं लगेगा। और इस सिचुएशन में सभी के साथ यही होता है कि जो गोली है वो रिकॉइल खा जाता है, मतलब कि एनिमी को कोई डैमेज नहीं पड़ता, लेकिन आपने तो डीबी कैरेक्टर को यूज किया तो आपका जो गोली है वो तो रिकॉइल खाएगा नहीं और उसी के साथ आपका जो एम है वो एनिमी के वेस्ट पर बहुत ही आराम से चिपक जाएगा। तब वहां से आप हल्का सा ड्रैग करोगे लॉन्ग रेंज में तो इजीली वन टैप लग जाएगा। और कितना हल्का से अगर ड्रैग करें इसके बारे में बात करें तो सिंपली आप जब 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे यहां पर लॉन्ग रेंज में तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको कितना हल्का सा ड्रैग करना है। लेकिन हाँ, यहां पर भी आपको फायर बटन पे ध्यान देना है कि फायर बटन कहां से क्लिक हो रहा है। यहां पर क्या, हर जगह पर आपको फायर बटन पे ध्यान देना है कि फायर बटन कहां से क्लिक हो रहा है, क्योंकि यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है फ्री फायर में हेडशॉट का। अगर आप सही जगह पर, मतलब के फायर बटन के बीच से थोड़ा सा नीचे से अगर आप ड्रैग करते हैं तभी आपका वन टैप लगेगा। अगर आप साइड से इधर उधर से ड्रैग कर लेते हैं तो आपका जो वन टैप नहीं लगेगा। तो फायर बटन ही है सबसे ज्यादा मेन और इंपॉर्टेंट चीज वन टैप मारने के लिए। इसी पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा कि आपका जो फायर बटन है वो कहां से क्लिक होकर ड्रैग हो रहा है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है और आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कौन सी सिचुएशन में इजिली वन टैप मार लेते हैं। देखते हैं कि ज्यादातर लोग किस सिचुएशन में इजिली वन टैप मार लेते हैं।